तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और अपन जा रहा है अभी नहाने के लिए। तो आज का सीन ये है कि शायद आज पापा लोग पहुंच जाएंगे, पापा मम्मी लोग। तो देखते हैं कब तक पहुंचते, कि अभी पहुंचेंगे क्योंकि वो कल राय वाला पहुँच गए थे। तो आज शायद आज आ रहे हैं। अभी फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि खाने के लिए आ रहे हो कि शाम तक आओगे ना या कल आओगे, पूरा डिटेल। तभी थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी। पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मेरा पानी ना कब से गर्म हो रखा था और दादी ने कहा नहा ले, लेकिन ये तब तक रोने लग गया है मैं करके। तो फिर मैंने कहा दूध दे के फिर छत में मालिश वालिश करके, तब मैंने कहा काम वाम निपटा के सारा, अब जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर से रोने लग जाएगा। तो उससे पहले कि दोबारा पिलपिलाने लगे तो मैं फटाफट से नहा धो के छत में चल जाती थोड़ा धूप सेकने के लिए। वैसे धूप कल तो धूप थी, बट बहुत सारी हवा थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी थोड़ी थोड़ी हवा थी सुबह, बहुत ठंडा लग रहा था, शायद पाला वाला पड़ रखा था। तो अभी प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन क्या चल रही है, साफ़ सफाई हो रही है। तो मैंने अभी कल किचन पूरा सेट करा दोबारा से, अलग अलग ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो मैंने कल किचन वगैरह चेंज करा है, वो जो वो था वो मैंने नीचे रख दिया है अभी यहाँ पे। तो अभी ऐसा कुछ हो रखा है, तो किचन छोटा है तो थोड़ा घिचपिच सा हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा था जिसको मैंने वहाँ अंदर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा खाली है। बस एक पेटी है, इसमें भी बहुत सारा राशन भरा का, दाल धूल जो एक्स्ट्रा बच जाती है ना वो रखा हुआ है। तो अभी हमें इस वक्त ऐसी बड़ी बाल्टी की ज़रूरत है जिसमें मैं आठ मतलब थोड़ा ये सामान सामान रख दूँ। एक दो बाल्टी चाहिए होती ना, एक दो बाल्टी हो जाती तो फिर पेटी में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेटी में थोड़ा ख़राब भी हो जाता ना सामान, तो ऐसा है। तो चलो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फटाफट से नहाती हूँ, फिर करते हैं काम धाम खाना खुना। देखो हमारे मेहमान अब पधार चुके हैं। मेहमान तो क्या है, काम कराऊंगी मैं से। उधर आ रहे हैं मम्मी पापा ट्रॉली लेके, जजल हणा वाला। दीदी मैं अंदर जाने, कुछ ऐसे करना तो नहीं है ना, थू थू करके जाना? नहीं नहीं, वो है ही नहीं अंदर, ऊपर छत में। क्या करूँ छत में, जाऊँ? बैग तो रख ले, तब तो जाना छत में। पावना उसको ट्रॉली खसीटते खसीटते ला रहे। रुको, यहाँ आया, ये बीच वाला गेट दिख रहा है, वहां से ऊपर सीढ़ियाँ। बिकी कहाँ है? कॉलेज गया, शाम को आएंगे। अच्छा, ओह ये देखो तो मेहमान है, मेहमान। हाँ अब आ रही है, आधी उसको एक घंटे बाद देख रही हूँ। रुक जा मैं लाइट जलाती हूँ। मैं तो बुआ के यहाँ जा रही थी, मैंने कहा अब तक हो गया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और बढ़िया। हाँ मैं सरप्राइज दे रहे थे हमको, लेकिन हमको पता चल नहीं गया, पहले ही पापा ने गलती से बोल दिया है। कौन सीरिया? मैं तो बोल ही रही थी चाची को थोड़ा सा, पर फिर पेपर है ना उनके 20 तारीख से। किसको? स्वामी सीरिया। अच्छा सीरिया रानी, बुखार। मैं चाय पानी है चाय। तो पापा लोग तो पहुंच चुके हैं, और भाई मेरा गया वहीं से कॉलेज, और वो आएगा सबको, पता नहीं नितिन कब आएगा। नितिन का पता नहीं है कि आ जाता है, क्योंकि कल भी शायद उसकी ड्यूटी, अगर ड्यूटी होगी तो तब आज तो मुश्किल आएगा, लेकिन तब कल नहीं होगी ड्यूटी, तो क्या पता आ जा जाए अपने जीजा के साथ। तो ऐसा अभी मेहमान पहुँचना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ पापा लोगों के लिए, चाय लेके जा रही हूँ छत में, पापा लोग छत में चले गए, तो उसके साथ थोड़ा धूप सेकने के, नीचे ठंडा लग रहा है कि, क्योंकि दिल्ली में ना तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ मम्मी कह रही थी बहुत गर्मी होने लगी है अभी से ही। तो यहाँ पे हो रहा है अभी भी ठंडा, क्योंकि मौसम अभी भी मतलब धूप नहीं है ढंग की ना, तो अभी यहाँ पे थोड़ा ठंडा है उस हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से। तो अभी पापा लोग चले गए धूप में, तो मैं बना के जा रही हूँ फटाफट से चाय, फिर रखती हूँ मैं एक तरफ दाल एक तरफ चावल, और चावल के लिए हमारे पास बड़ा कुकर नहीं है, तो मुझे बुआ लोगों से मांगना पड़ेगा। चलो फिर देखते हैं। नीचे रोएगा अभी, वो छत में आसमान दिख रहा उसको, ये दिख रहा वो दिख रहा, नीचे जाके रोता वो। बोलो और दिन तो वीडियो कॉल में देख रहे हो, निकल के सामने आ गए। नहीं पकड़ेंगे भाई गोद में ना, नहीं नहीं नहीं। अभी पापा ने ना मेरे बाल नहीं कटे हुए देखे, तभी देखेंगे, देख तो क्या बोलते हैं।
मुझे तो डर लग रहा है, वो डांटेंगे वो। पापा देखो कम ही कटा है लेकिन मैंने वो अभी भी बन रही है। हाँ और क्या, वो बस श्रुति को बस मौका चाहिए करे बस चट गोद में मुंह पे धूप लग रही है उसके, मुंह पे धूप नहीं लगना। हाँ ऐसे ही करता है ऐसे। और परसों इसके पापा ने उसका नाम ऊबा भी रख दिया। एक अरे एक मॉन्स्टर वाली मूवी देखी तूने, उसमें वो छोटा सा क्यूट सा मॉन्स्टर रहता है, ऊबा ऊबा बोलता रहता है ना वो, तो ऐसे ही कर रहा था ये ऊबा ऊबा, तो इनका इसका नाम ऊबा ही रख दिया। सीसीटीवी कैमरा रख रहा है, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा है तू, सीसीटीवी कैमरा। अरे इसका तो 36 नाम है भाई साहब ने अपने अपने रख रखे हैं। अरे क्या बोलते हैं, गब्दू रख रखा है बुआ बुआ ने, मामा ने, बहुत तेज धूप लग रही है ना, गब्दू। दिखे नुझे है साफ दिखे बाहर जाके देखती हूँ पल दिखे नु साफ टंकी दिखेनी है पूरा सफेद। अरे वो पहले ना, हाँ वो मती छाते चुजे पर। हाँ बस तो फिर बस बहुत है इतना। ये देख तेरे खिलौना खिलौना खिलौना, ये किस पे कोई गलती से बैठ ना जाए। तो प्यार भी नहीं, बाहर रख देते हैं इस कुर्सी को। अरे जाओ मुंह में डालेगा वो। हाँ वो गीत ए हे चप्पल ये सिपर। हाँ कौन कौन ये अच्छा देख तो क्या क्या है तेरे लिए। अगुआ है तो तू लगा रहा नहीं है, तेरे चप्पल पहले आ गई ला ढिक्कन ले रहा तुम बल, मेरे को पूरा ढिक्कन नहीं दिया बल, अपने आप ही ले रहा हो ढिक्कन। ये पोटी जब जब ये टूटा ना, मैंने और दादी ने सेम बोला, कह रहे तुम्हारी सोच कहाँ जा रही हो बल। बुआ बोल रही है अगर भाई भात बनाना हो गया तो आराम से बोल दे, पूरा बोलेगा साथ साथ। क्या बोलूं, हेलो 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 ये कान लिया हुई है दादी के तो ऐसे हंस हंस के पेट में दर्द हो गया था। कहाँ है वो पीने के लिए, कहाँ लगा रहा हूँ ऐसे पकड़ दोनों हाथ से, वो पकड़ पकड़ इसे भी पकड़ इसे भी, हाँ ऐसे मैं दूध दे देना। देखो तुम यहाँ प्रिपरेशन चल रही है, शाबाश बेटा शाबाश। ये क्या है वो, आप लास्ट में देखना दीदी, लास्ट में देखना। ये क्या है, क्या है, ओह माय गॉड, को बिकी है सो रखा हूँ, लुक क्या रखा उसको, लुक क्या रखा। अरे आपने उसमें देखा क्या, हल्दी सेरेमनी में लगाते ऐसे छोटे छोटे पागल क्या, वो जरा हटकर मार्क्सम ढूंढ है वो, ऐसे भी वो बेड। नमस्ते ना नमस्ते दादी को है कर दिया कि शर्म भी नहीं आ रही इसको तो जरा सी भी, मत करना उसे तबीयत खराब हो रही हो। तू तो जीदा का वेट कर रहा था,
मत मत करो इसको ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा ही तेरे सब्जी ले गया मैं। हमारी है वो, मैं ले गया है भाई, हम ले गया वहां से भूख के। बुखार वाले कृपया दूर रहे। ये देखो तुम्हें हमारे काम धाम चल रहा है, इधर मैं आटा गूंथ रही हूँ, उधर कल के लिए मटर मटर छील रहे हैं और वो लगे हुए हैं अपने डेकोरेशन का काम पे। बीच में प्रा प्रा और हम अपने भांजे को यहाँ पर चुप कराते हुए मैं मदारी बोला नाच मत चिढ़ा रहे उसको, मत चिढ़ा। गाइस अभी पापा लोग भाई लोग सब चले गए, बुआ लोगों के यहाँ गप्पे गुप्पे मारेंगे वो लोग, और हम तो सामने का थोड़ा सो जाते हैं। इसको सुलाया अभी, जैसी बिस्तर पर लेटा है ये उठ गया। देखा मैं वो दिया मेरे नुनू पूरा करते हुए चका न खाएगा पापा न खाओगा नुनू पूरा मुंह से बाहर निकालूं लिया बाहर बाहर। ये पापा लेके आए थे बंदर वाली टोपी का, हम लेके आए थे बंदर वाली टोपी तो उसका जो आगे का मुंह खुला होता ना वो बहुत छोटा था, तो उसके ना यहाँ यहाँ तक ही आ रहा था वो, तो फिर हमने तब नहीं पहनाया, मतलब पहनाया तो ऊपर ऊपर वैसा पहनाया। ये ठीक ला रखे पापा, क्या है का है वदू वदू का है वदू एक ही वो की क्या ठाकुर जी मिल गो ठाकुर अलग नहीं लग रहा होगा तो चलो गाइस इसको सुलाते हैं, ये तो उठ गया हम फूका हम सो जाते हैं, जब तक तो सोएगा रोएगा तो अपने आप सोता है, अपने आप तो सोता ही नहीं, सुलाना पड़ता गोद में लेके। अच्छा गंदा बच्चा है ये, बिल्कुल ही गंदा है ये, गंदा गंदा है ना। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर लो बाय। मेरे खा पी के पेट गुड़ 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 कर रहा मेरा पेट, ऐसा मतलब जैसे कि भूख लगी होगी, पता नहीं पेट भरा कि नहीं भरा मेरा। अब इसको खेलना है, देखना 11:30 हो गया, हमने कहा सो जाएंगे अजय, बस हट मैं नहीं बात करती तेरे से, हट गंदा गंदा बच्चा मैं नहीं बात करूँगी, नहीं 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 बात नहीं करूँगी, नहीं 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 बात करूँगी, नहीं बात करूँगी, नहीं 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 मेरे इस गाल पे थोड़ा सा डिम्पल पड़ता ना, इसके इस वाले गाल पे पड़ता है, इधर वाले